शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि तुम ही हो। काव्या चलो। काव्या, काव्या, काव्या तुम ठीक हो? काव्या, काव्या। आने वाले 30 घंटे काव्या जी के लिए काफी क्रिशियल है। नहीं रुक, नहीं, मैं काव्या को कुछ नहीं होने दूंगा। इनके तो आंखों तक पॉइजन पहुंच चुका है। डॉक्टर, डॉक्टर मुझे सॉल्यूशन दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर हो जो स्पेशलिस्ट हो जो मेरी काव्या को ठीक कर सके? ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस को एक ही डॉक्टर सॉल्व कर सकता है, डॉक्टर लूथरा। हाँ, नंबर दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है। डॉक्टर लूथरा, आपको मेरी वाइफ को किसी भी कीमत पर बचाना है। उसके पास सिर्फ 24 घंटे डॉक्टर। I can understand your situation, Mr. करण प्रताप सिंह, पर मैं लंदन में हूँ और अभी मैं एक प्री शेड्यूल्ड स्पेशलाइज्ड सर्जरी करने जा रहा हूँ। मैं चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। हाँ, परसों की मेरी मॉर्निंग फ्लाइट है 7 बजे की, मेरे वापस आने के बाद ही कुछ हो सकता है। डॉक्टर आप वो ऑपरेशन खत्म करके रेडी रहिए, मैं आपके लिए चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज कर रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर काव्या मेरी वाइफ, फिर मुझे उसे किसी भी हाल में बचाना है। ओके, बट हाँ, आपको एक इंजेक्शन मंगवाना पड़ेगा जो बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपको उस इंजेक्शन का नाम मैसेज कर रहा हूं। रितु, एडमिन मैनेजर अजय को फोन लगाओ। अजय, मैंने तुम्हें अभी एक इंजेक्शन का नाम मैसेज किया है। ये बहुत रेयर इंजेक्शन है, ये पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन अजय किसी भी हाल में मुझे किसी भी कीमत पर ये इंजेक्शन चाहिए। हमारे सारे एम्प्लॉयज को ये इंजेक्शन का नाम फॉरवर्ड करो और सबको बोलो काम पे लग जाए। कहीं से भी खोज के निकालो इसे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। मिस्टर करण, काव्या का काफी ब्लड लॉस हुआ है, उसे ब्लड की सख्त जरूरत है। अब ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव। डॉक्टर मेरा भी ओ पॉजिटिव है। लेकिन आपने भी तो गैस इनहेल किया है, आप काफी कमजोर लग रहे हैं, मैं आपका ब्लड नहीं ले सकता। डॉक्टर ये सब छोड़िए, आप आइए मेरे साथ, टाइम नहीं हमारे पास। नहीं पार्वती जी, हमें अभी भी लगता है कि हमें हवेली में रह जाना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। हिम्मत रखिए, करण सर है ना वहां, वो कुछ नहीं होने देंगे काव्या को। वो काव्या की अपनी जान से भी ज्यादा परवाह करते हैं। टूटे दिल के टुकड़े बिखरे तेरी जमीन, ना कुछ कह सके हम तुम्हें, ना तुम समझे हमें। अग्नि को साक्षी मानकर मेरा साथ देने का वचन दिया है तुमने, इतनी आसानी से तुम्हें वचन तोड़ने नहीं दूंगा। जो तेरे जो तेरे ना हो सके। तेरा
सजना तेरा ही बस में रहूंगा, तुझसे ही है हर दिन मेरा, तुझसे ही है मेरी रहना, खुद से ही है बेरुखी हर घड़ी, अब बस ऐसी है मेरी कमी, कैसा कहूंगा मैं खुद को तुम्हारा, अब खामोशियों में ही, क्योंकि तुम ही हो, हो। क्या किस्मत है अपनी काव्या, पति पत्नी के नाते है हम कभी एक बेड पर एक साथ नहीं सो पाए, पर आज देखो। मिस्टर करण, अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। नहीं डॉक्टर, मुझे अभी इंजेक्शन के बारे में पता करना है। मैं अगर मुंबई में नहीं है तो दिल्ली में ढूंढो, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, देश के हर कोने में ढूंढो, पर मुझे वो इंजेक्शन किसी भी कीमत पर चाहिए। मिस्टर करण, काव्या के काफी सारे पैरामीटर्स अभी स्टेबल हो चुके हैं। यानी आपका मतलब है कि काव्या खतरे से बाहर है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी हमने से उसका ब्लड लॉस का इलाज किया है, अभी भी इसकी बॉडी में पॉइजन है। शी इज नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर। और जो डॉक्टर उत्तरा ने एक इंजेक्शन मंगवाने को कहा था, उसका क्या स्टेटस है? हाँ डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, बट ट्रस्ट मी, वो आ जाएगा। ओके। इशिका, तुम काव्य के घर फोन करके बोल दो कि वो ठीक है। अंकल, काव्य की हालत तो थोड़ी बेहतर है। सच में? जी। मुझे पता है शिव जी, अपनी सबसे बड़ी भक्त को आप कुछ नहीं होने देंगे।
खेलना छोड़ दो और अपने आप को बचाने का रास्ता सोचो। काव्या बच गई ना, तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। बच तो जाएगी ही ना, करण ने लंदन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बुलाया है उसका इलाज करवाने के लिए। इलाज तो तब होगा ना जब काव्या बचेगी। कितने मासूम हैं ना आप दोनों। जब डॉक्टर ने करण को कहा कि काव्या की बॉडी में अभी भी पॉइजन है, मैं तभी समझ गया कि हमें करना क्या है। अब बातें सुनने की आदत पड़ गई है मुझे। साथ फेरे लेते वक्त जीवन भर साथ रहने का वादा निभाया था हमने। तुम मुझे ऐसे बीच मझधार में छोड़ के नहीं जा सकती काव्या। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। भैया मुंबई दिल्ली कहीं पे इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। इशिका इशिका अभी सिर्फ 9:30 बजे हैं। हमारे पास टाइम है। ये इंजेक्शन दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना वो मैं लेकर आऊंगा, भी डॉक्टर लूथरा के आने से पहले। तुम्हारी काव्या भाभी को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। 9:30 बज गए। डॉक्टर मिस्टर करण आपके रिप्रेजेंटेटिव ने सारा अटेंड कर दिया है। मैं कल मॉर्निंग में 7 बजे तक डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दिस इज माई ड्यूटी। थैंक यू। वो आ रहे हैं 7:00 बजे। गुड। हमें जो भी करना है आज रात ही करना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो काम दिया गया है सिर्फ उस पे ध्यान दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है और तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ रह गए। भानु कहाँ गए थे? वो फैक्ट्री से अचानक फोन आया था और वहाँ ऑडिट वाले आए थे तो करण को ढूंढ रहे थे। चूंकि हमने सोचा कि करण इतना परेशान है तो ये मामला हम ही संभाल। तुम फैक्ट्री गए थे तो तुमने पता नहीं करवाया कि ये जहरीली गैस इस हवेली में आई कैसे? हाँ किया ना, फैक्ट्री जाते पहला काम ये किया। वो क्या है, सुपरवाइजर वर्कर का नाम ले रहे हैं और वर्कर किसके और का? सच कहूं अम्मा, वहाँ प्लेम गेम चल रहा है। प्लेम गेम, हम पता लगाएंगे कि हमारे घर में ये जहरीली गैस आई कैसे। गलत सैंपल घर में आया ये समझ में आता है, लेकिन सैंपल के साथ गुंडे भी घर में आ गए ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ बेटा, वो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है, पर तुम टेंशन मत लो, इस दुर्घटना की हर एक गुत्थी सुलझाएंगे हम। एक काम करो, इस मामले को हम संभाल लेते हैं, तुम्हें ना वरुणी को संभालो, उसका ध्यान रखो, उसकी चिंता करो। हाँ एक मिनट। अरे बोला ना, सारे इनवॉइस साइन कर दिए हमने। गा
जल आया हूं मैं गंगा जल। इंजेक्शन लगते ही काव्या स्वर्ग सिधार जाएगी। वह इंजेक्शन लगा और वो परमानेंटली डेड। हमने अपना काम कर दिया, अभी आपका काम शुरू। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। करण, महाकाल पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो, कोलकाता लखनऊ कहीं मिला इंजेक्शन? नो सर, नहीं मिला। डॉक्टर शर्मा के हिसाब से अभी भी मेरे पास वक्त है। 30 घंटे बीतने से पहले डॉक्टर लूथरा यहां पहुंच रहे हैं और इंजेक्शन तो मैं कैसे भी तब तक अरेंज कर लूंगा। आयुष्मान, काव्या ने अपनी आंखें खोली। डॉक्टर साहब चलिए ना, आप लोग खाना खा लीजिए। दोपहर से आप लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। नर्स, तुम जाके पहले खाना खा लो। अरे आप दोनों साथ में ही चलिए ना, वैसे भी खाना खाने में 10 मिनट ही लगेंगे। तब तक मैं काव्या के साथ रुक जाती हूँ। ठीक। हवेली में काव्या अपनी जान के लिए लड़ रही है और मैं यहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठा हूँ। मुझे तो वहां होना चाहिए ना उसके पास। पृथ्वी, मैं हवेली जा रहा हूँ। आयुष्मान रुक, काव्या के साथ करण जी जो है वो सब संभाल लेंगे। तू यहाँ माँ और पापा के साथ रहे, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। बारह बज गए, आज शिवरात्रि है, मुझे पूरा भरोसा है महादेव अपनी भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। इंजेक्शन का टाइम हो गया है। तुम मुझे ऐसे सूती हुई बहुत अच्छी लगती हो। अब जिसको जो अच्छा लगता है उसे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना तुम्हें ये इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए सुला दूं। कुछ और चाहिए आपको? थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुरानी ठीक तो हो जाएगी ना? बेसिकली काव्या के वाइटल पैरामीटर्स तो स्टेबल हैं, लेकिन ओवरऑल कंडीशन काफी क्रिटिकल है। आपने तो कुछ खाया नहीं मैम, कुछ खाई हो? नहीं, बस हो गया, इंजेक्शन का टाइम हो गया है।
चाची। नहीं नहीं करण, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, काव्या को देखकर मेरा मन भर आया। अभी तो इस बेचारी के खेलने कूदने के दिन है और ये कैसे बिस्तर पकड़ कर लेट गई है। फिक्र मत कीजिए चाची, कल तक काव्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, मुझे भी पूरा यकीन है कल तक हमारी काव्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ। करण, मैंने अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया और एक कुछ सप्लाइज की लिस्ट है जहां पे शायद इंजेक्शन मिल सकता है। दिस माइट हेल्प। पूरा इंजेक्शन देने से पहले ही वो करण और नर्स बीच में आ गए, इसलिए इंजेक्शन मुझे बीच में ही रोकना पड़ा। ये इंजेक्शन इतना पावरफुल है, आधे भी डाली होगी ना तुम्हारा काम हो जाएगा। हो जाएगा काम। डॉक्टर कम फास्ट। थ्री टू वन क्लियर। मैं आपकी वाइफ को बचा नहीं पाया। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।